नमस्ते दोस्तों, हमने इसके पहले का एक लाइव लेक्चर देखा था बेसिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, जिसमें मैंने आपको मूलांक और भाग्यांक किसे कहते हैं वो बताया था, या उसको हम एक्टर डायरेक्टर या ड्राइवर कंडक्टर। आज के बाद हम उनके नाम फिक्स रखते हैं, जिस दिन आप पैदा हुए उस तारीख को बोलेंगे हम एक्टर, और आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ के टोटल को बोलेंगे डायरेक्टर। मैंने पिछले मेरे लेक्चर में आपको बताया था, अगर याद होगा तो हम रिवाइज करते हैं, कि जो भी इंसान एक नंबर का धनी होता है, यानी एक नंबर किसका एक्टर नंबर रहेगा या एक नंबर के क्या गुण होंगे, तो जो भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ की टोटल एक होगी या वो एक तारीख को पैदा हुआ है। इसका मतलब सिर्फ एक तारीख नहीं होगा, इसका मतलब होगा किसी भी महीने किसी भी साल की एक तारीख, किसी भी महीने किसी भी साल की 10 तारीख, किसी भी महीने किसी भी साल की 19 तारीख, और किसी भी महीने किसी भी साल की 28 तारीख। क्योंकि एक यानी एक, 10 यानी 1 और 0 फिर से 1, 19 यानी 1 और 9 10 यानी फिर से 1, और 28 यानी 2 और 8 फिर से 1। इन सारे नंबर का जो राशि स्वामी होता है ये होता है सूर्य। सूर्य भगवान इनके राशि स्वामी होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इस तारीख को पैदा हुए लोग या जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ की ये टोटल है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद एक और 10 नंबर और 19 नंबर और 28 नंबर, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क भी होता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में एक नंबर 10 नंबर ये मोर ऑर लेस सेम है, लेकिन 19 नंबर से जब एक नंबर बनता है तो उसमें 2 ग्रहों के गुण आ जाते हैं, सूर्य के भी आएंगे और मंगल के भी आएंगे, क्योंकि 9 नंबर मंगल का है। 28 की बात करूंगा तो उसमें 2 के भी गुण आएंगे, 8 के भी, 2 नंबर चांद का होता है चंद्रमा और 8 नंबर होता है शनि का, तो वो थोड़े बहुत उनमें फर्क रहेंगे, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो आज का जो मेरा ये पूरा वीडियो है ये पूरा एक नंबर को समर्पित है। ऐसे ही हम 1 से लेके 9 तक के सारे वीडियोस बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको और डिटेल में न्यूमरोलॉजी सिखाने की कोशिश करूंगा। आप ये सीख के न्यूमरोलॉजिस्ट तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन अपने आप को बहुत अच्छे से गाइड कर पाओगे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप जनरली, प्राय ऐसे देखा गया है कि दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनकी तारीख जिस दिन आप पैदा हुए वो बहुत अच्छी है, लेकिन आप गलत फील्ड में या उसका उपयोग नहीं कर पाए, इसलिए आप लाइफ में फेल्योर हो। और दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ऑर्डिनरी है, पर आपने उसको आपके उस डेट ऑफ बर्थ के फेवर की चीजें यूज की, इसलिए आप सक्सेसफुल हो। और एक प्रश्न बहुत बार मुझे पूछा जाता है कि से फॉर एग्जाम्पल 2 जुड़वा भाई है, दोनों भी सेम तारीख को पैदा हुए, पर दोनों का भविष्य अलग अलग कैसे होता है, फिर आपकी न्यूमरोलॉजी क्या करती है। तो दोस्तों, यहां पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि भले ही 2 जुड़वा भाई है, एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हैं, पर दोनों के नाम अलग अलग है, और जब दोनों के नाम अलग अलग होते हैं तो वो नाम का भी एक वैल्यू क्रिएट होता है जो हम आगे कभी सीखेंगे, और उसके कारण उनका नसीब बदलते जाता है, ये पहली बात। और जब जहां तक न्यूमरोलॉजी का संबंध है, न्यूमरोलॉजी ये साइंस 70% जो है वो बराबर काम करता है, 30% आपके कर्म है, 30% आपका प्रारब्ध है, 30% आपने जीवन में आज तक क्या किया है, उस पर बहुत सी चीजें डिपेंड होती है। तो शायद मुकेश अंबानी जी जिस दिन पैदा हुए उस दिन भारत में और 10,000 लोग पैदा हुए होंगे, उसी समय में मैं भी 500 लोग पैदा हुए होंगे, पर हर कोई मुकेश अंबानी नहीं बन पाया, तो उसके पीछे का राज, वो चीजें क्या है, वो हम अभी स्लोली सीखेंगे, ठीक है। कोई भी शास्त्र सीखते समय सबसे पहले आप कन्वेंस हो जाइए कि उस पर विश्वास रखिए। मैंने अनुभव लिया है इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरा कोई ये प्रोफेशन है नहीं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये अच्छा लगे। तो आज हम बात करेंगे जिस किसी भी इंसान का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख
या 28 तारीख को हुआ है उसकी टोटल एक होती है, उसका मूलांक, उसका एक्टर, उसका ड्राइवर, जो बोलना है वो एक नंबर रहेगा, और उसका राशि स्वामी रहेगा सूर्य। अब ये जो लोग होते हैं एक नंबर वाले, ये कैसे होते हैं? सबसे पहली सूरज सूचक है सक्रियता का, यानी इनमें एनर्जी बहुत होती है। ये व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, इनकी सहन शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। ये बहुत ज्यादा सक्रिय रहने के खातिर इनको जीवन में उतार चढ़ाव भी उतने ही देखने पड़ते हैं। इनके अंदर सबसे अच्छा गुण होता है लीडरशिप। अब मैं इसका यूज कैसे करूंगा, मैं बिजनेस मैन हूं, मैं मुझे मैनेजर मेरे यहां रख रहा हूं, और उसका डेट ऑफ बर्थ अगर ऐसा है तो डेफिनेटली मैं उसको रखूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए यूजफुल रहेगा। देन यानी अभी तक अगर मैं इनके गुण लिखना चाहूं तो पहला गुण है सक्रियता, ठीक है। देन इनका दूसरा गुण है हमेशा आगे बढ़ने वाले होते हैं ये, ठीक है। इनका दूसरा गुण, तीसरा गुण क्या मैंने बताया आपको, इनकी सहन शक्ति बहुत अच्छी है, ठीक है। चौथा गुण इनका क्या है, उतार चढ़ाव बहुत आते हैं जिंदगी में, क्योंकि इनको भागना अच्छा लगता है, तो भागोगे तो गिरोगे भी, ठीक है। उसके बाद है इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व गुण बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद क्या है, ये अपने साथियों को लेके साथ चलते हैं, यानी टीम मैन होते हैं ये हमेशा। उसके बाद हमेशा सुख दुख में काम आने वाले दोस्त होते हैं ये, ठीक है। देन इनका जो परिचय क्षेत्र होता है ये बहुत बड़ा होता है, यानी ये फेमस होते हैं ये लोग, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। इसके आगे क्या बोल सकते हो आप, इनके जो है इनकी मित्रता बहुत अच्छी है, किसी को छल कपट जनरली नहीं कहते, सो अच्छे दोस्त होते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये लाइफ में बहुत शिखर पर पहुंचते हैं, ऊंचाइयों पे पहुंचने वाले आप जितने लोग देखोगे वो जनरली एक नंबर वाले पाए जाते हैं। इनके पास दूरदृष्टिकोण बहुत अच्छा होता है, दूरदृष्टि बहुत अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद इनका एक माइनस पॉइंट बोल सकते हो, लेकिन जो भी है, ये हमेशा मुफट होते हैं, यानी दो टूक बात हमेशा कर देते हैं, यानी इनका क्लियर कट जो है ये इनका कम्युनिकेशन होता है, ये किसी की झूठी तारीफ कर नहीं सकते। देन उसके बाद स्वतंत्र व्यक्ति तो मैंने बोला, तो ये जो चीजें मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं, आप अगर देखोगे आपके घर में आप कोई इस एक नंबर वाले रहोगे तो डेफिनेटली आप में ये गुण पाए जाएंगे। देन एक चीज जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आई है कि इनको संतान होती ही है, और जनरली इनकी संतान, पहली संतान जो है वो पुत्र होती है, और जनरली अगर ये भाई बहन है तो ये भाइयों में बड़े होते हैं हमेशा, ये ऐसे मीन्स आपको मैं ऐसे बोलता हूं कि बहुत बार पाया गया है। और इनकी जो इस अगर नंबर के जो अगर मूलांक एक है, मैंने डॉक्टर भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो इस फील्ड के होते हैं। अगर इसमें आप अगर देखते हो तो लेखक भी बनते हैं, इसमें इंटीरियर डिजाइनर ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। इनके अगर मैं रोगों की बात करूं, मैं लाल कलर से लिखता हूं क्योंकि रोग यानी अच्छी बात नहीं है, तो इनको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो दोस्तों इनके अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो इनको हमेशा हृदय रोग, ठीक है। देन दूसरी चीज इनके बारे में आपको देखना है कि इनको हमेशा सिर दर्द रहता है, सिर दर्द का अलग अलग प्रकार का होता है। उसके अलावा इनको कभी कभी जो है आंखों से रिलेटेड नेत्र रोग इनको हो सकते हैं, रहेंगे ऐसे नहीं पर हो सकते हैं। इन्होंने अपने खाने में हमेशा नमक का प्रयोग कम करना है, तो इनको जिंदगी में कभी भी बीपी की तकलीफ
नहीं होगी। ये एक नंबर के हेल्थ से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने किस देवता की हमेशा पूजा करनी है, तो इनके इष्ट देवता है सूर्य। कौन है इष्ट देवता हमेशा? सूर्य। उसके बाद इनका फेवरेट कलर कौन सा रहेगा? इनका रंग रहेगा ऑरेंज, ठीक है। देन अगर इनको रत्न पहनना है तो इन्होंने रूबी पहनना चाहिए, माणिक। कैसे पहनना क्या नहीं मैं और किसी वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद इनके लिए लकी जो दिन होते हैं वो हमेशा रवि, सोम, संडे, मंगलवार, मंडे, देन उसके बाद ट्यूसडे, और उसके बाद इनके लिए रहेगा गुरुवार, थर्सडे। ये दिन इनके लिए बहुत ज्यादा लकी होते हैं। उसके बाद कोई भी नंबर, इसके आगे भी मैं आपको हर बार बताऊंगा, समझो आप 1 तारीख को पैदा हुए हो या 10 को हुए हो, 19 को हुए, 28 को, तो जब जब आप जिंदगी के उस टोटल 1 पे आओगे वो साल आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी क्या, जब भी आप 1 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, या जब भी आप 19 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, 37 के होने वाले हो, जब भी आप 46 के हो गए, जब भी आप 55 के होने वाले हो, 64 के हो गए, जब भी आप 73 के हो गए, तो इस एज आपके लिए जिंदगी में हमेशा ये साल कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएगा। आपकी सबसे ज्यादा मित्रता, वैसे तो आपके शत्रु सिर्फ 8 नंबर होता है, बाकी भी हो सकते हैं, पर ज्यादा शत्रु, आपने कोई भी काम जिंदगी में शनिवार को नहीं करना है, आपने ब्लैक कलर अवॉइड करना है, ब्लू कलर अवॉइड करना है, और मेनली अगर आप शादीशुदा नहीं है और आप आपकी जीवन संगिनी ढूंढ रहे हो तो कोशिश कीजिए कि वो 8 नंबर की ना हो। अगेन 8 नंबर यानी क्या, 8 के बाद 17 और 26, तो ये नंबर अगर आप अवॉइड करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी बड़ा काम शनिवार को आपको जिंदगी में करना नहीं है, और दूसरा वार अगर कोई टाल सकते हो तो वो है शुक्रवार। देन आपकी मित्रता वाले सबसे घनिष्ठ वाले जो है 2, 3 और 9 नंबर आपके काफी क्लोज रहेंगे जिंदगी में, तो आप पार्टनरशिप कर रहे हो, शादी कर रहे हो, तो ये डेट ढूंढो तो आपके लिए ज्यादा लकी रहेंगे। आपके स्वभाव में आपने क्या क्या करना चाहिए, बोलते मीन्स आप अगर क्या करेंगे तो जिंदगी में, मैंने जैसे बोला कि उसी तारीख को लोग पैदा हुए हैं लेकिन वो लोग सक्सेसफुल नहीं है, उसी तारीख को पैदा नहीं हुए वो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है उसी तारीख, तो आपने जिंदगी में कौन सी चीजें याद रखनी है, तो याद रखिए आपकी आदत है कि मुंहफट है मुंह पे बोलना, अगर आप वो कम बोलोगे तो आपके शत्रु कम होंगे। दूसरा, हमेशा आपके सिद्धांतों पे चलना चाहते हैं पर दुनिया सिद्धांतों पे नहीं चलती, तो आपके सिद्धांत लोगों पे डालने की कोशिश ना करें, थोड़ा नरम फ्लेक्सिबल हो जिंदगी में। आपको आत्मविश्वास बहुत होता है पर लोगों पे आप बहुत शक करते हो, तो हो सकता है तो लोगों पे शक करना कम करें। जिद्दी स्वभाव होता है आपका तो कहीं कहीं नरमाई अगर आप बरतोगे तो जिंदगी में ग्रोथ ज्यादा होगी। और अगर आप चाहते हो, खुद हमेशा चाहते हो स्वतंत्र रहना पर आपको लगता है कि आपके साथ वाले लोग आपकी सुने, तो ऐसे नहीं हो सकता, तो आपको भी दूसरों को स्वतंत्र रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गई सारी 1 नंबर की बातें, पर मैंने जैसे बताया कि 1 यानी सिर्फ 1 नंबर है जो मैंने अभी बात कर ली, पर 1 में दूसरा नंबर भी आने वाला है। 1 में दूसरा नंबर कौन है दोस्तों? 1 में दूसरा नंबर है 1 में 10, 1 में तीसरा नंबर है 19, और 1 में आने वाला और 1 नंबर कौन सा है? 28। तो अब हम बात करेंगे 1 की, तो मैंने पूरी बात कर ली, जो अभी तक मैंने बताया वो सब 1 का है, पर अगर वही 10 तारीख को पैदा हुआ है तो उसके बारे में क्या, वही अगर 19 तारीख को पैदा हुआ है तो उसके बारे में क्या, और 28 को हुआ है तो क्या, वो हम अभी देखेंगे थोड़े में सारांश में, और उसके बाद ये 1 नंबर का वीडियो खत्म होगा। ये आपको कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन भी पूछिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं कोई जाना माना न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बहुत सफल व्यवसायिक हूँ, पेशे से टीचर हूँ, बहुत सारे बिजनेस है,
पर मुझे जो साइंस सबसे अच्छे लगे हैं ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, उसके माध्यम से मैं आपको परिपक्व बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आप सब में पोटेंशियल बहुत है, पर कहीं ना कहीं आप राह भटक गए होंगे, तो उसमें से मैं आपको उस राह में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, जब न्यूमरोलॉजी या कोई भी साइंस जो है दोस्तों, वो कब ज्यादा काम करता है, मैं आपको आपकी बुराई या आपके माइनस पॉइंट बता दूं, लेकिन अगर मैं आपको उपाय ना बताऊं तो फिर उस साइंस का कोई उपयोग नहीं है। तो रेमेडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए, मैं आपकी अड़चनों पे आपको रेमेडीज भी बताऊंगा, पर वो किसी और वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एक नंबर के बारे में मैंने बातें कर ली, तो अब जो एक नंबर के मैंने सारे कैरेक्टर बताए, ये चारों डेट ऑफ बर्थ वालों के बीच में तो रहने वाले ही है, पर उसके साथ साथ अगर और मैं अगर बात करूं तो थोड़ा और डिटेल में जाने वाले हम कि 10 में थोड़ा क्या चेंज होगा, फिर वही 19 में क्या रहेगा, तो हम उसकी बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 का पहला गुण होता है क्रिएटिविटी, इनमें ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्रिएटिविटी अच्छी होती है 10 नंबर में, ठीक है। देन उसके बाद मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। आप कोई भी एक, मैं सेलिब्रिटी के नाम नहीं लेना चाहता, पर ऐसे बहुत से सेलिब्रिटी है जो इस तारीख को पैदा हुए, या पॉलिटिकल लीडर्स भी है। मैग्नेटिक पर्सनालिटी, ठीक है। देन उसके बाद क्या है एक नंबर के बारे में, उसके बाद होता है ये जो है इनका जो नॉलेज और इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंस, ठीक है। देन इनके लाइफ में जब ये 46th ईयर के होंगे, 46th याद रखना हाँ, आप में से अगर कोई है तो जब भी आप 46th ईयर के होगे तो तब आपका भाग्योदय होगा, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा होगा या उसके बाद होगा। और आप जनरली सर्विस में जाते हो तो बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंचोगे लाइफ में, ठीक है। आपका एक प्रॉब्लम ऐसे होता है कि आप बहुत इंपल्सिव होने के खातिर आपको लाइफ में प्रॉब्लम आता है, आपने पेशेंस अगर रखेंगे तो जिंदगी में आपका सक्सेस का रेशियो ज्यादा रहेगा, ठीक है। और आपकी हेल्थ के थोड़े बहुत इश्यू आते हैं, आप इम्पेशेंट होने के खातिर हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर यानी क्या दोस्तों, ये सिर्फ एक का नंबर नहीं है। 19 बना कैसे है, सूर्य और मंगल, मंगल भी पराक्रमी ग्रह, सूर्य भी पराक्रमी ग्रह, यानी ओवर लीडरशिप हो गई। बहुत से लोग जो 19 को पैदा हुए हैं वो जिंदगी में बहुत सफल हुए हैं। कई मैंने न्यूमरोलॉजी में सुना था कि ये कार्मिक नंबर भी है, यानी 19 नंबर के साथ कभी कभी ऐसे होता है कि ये जिंदगी में एकदम अपेक्स पे पहुंचते हैं और अचानक नीचे भी आते हैं। तो इन्होंने हमेशा, अगर वो सक्सेसफुल है, बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो अपने अच्छे कर्म कायम रखे, क्योंकि इनको विपरीत परिस्थिति भी आ सकती है। लेकिन बड़े बड़े लोग जो है, जो 19 नंबर को पैदा हुए हैं, सामान्यतः वो जीवन में काफी शिखर पर पहुंचे हैं। तो इनका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एनर्जेटिक होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। देन उसके बाद जो है, ये स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, लोग स्पोर्ट्स में अगर जाएंगे तो ये लोग बहुत एथलीट बॉडी होती है इनकी, स्पोर्ट्स में जाके ये लोग चमत्कार कर सकते हैं। उसके बाद इनके अगर लव अफेयर्स हो तो इनके इम्पेशेंट स्वभाव के कारण वो ज्यादा दिन टिकते नहीं है, तो ये अगर इम्पेशेंट रहेंगे तो इनके लव अफेयर्स ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं। ये दूसरों की मदद बहुत अच्छे से करते हैं, सो हेल्पफुल होते हैं। आप इनको कोई भी सीक्रेट बोल दो, ये गूगल ड्राइव के वैसे होते हैं, ये किसी को भी नहीं बताएंगे अनलेस आपने इनका पासवर्ड खोला, तो ये आप एक अच्छे दोस्त समझ के इनके साथ शेयर कर सकते हैं।
पर इनका प्रॉब्लम यह है कि अंदर से बहुत लोनली होते हैं, कि किसी को खुद की पीड़ा नहीं बता पाते। एक अच्छा वक्ता होने की निशानी, एक्सलेंट स्पीकर, ये 19 नंबर के लोग होते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा अपने वर्ड से अपने साथ वाले लोगों को लेके जिंदगी को भी वैसे जीते हैं। अब आते हैं हम 28 नंबर। 28 नंबर कैसे बना है? 2 और 8, 2 नंबर है चांद का, 8 है शनि का, 2 नंबर शांत शांत है, यानी यह ग्रह शांत है। इसका मीनिंग ये होगा कि जिंदगी में कदम बहुत उठाना चाहेंगे, लेकिन इनको कोई तो पीछे से धक्का मारना पड़ेगा। इनको जब तक कोई पुश नहीं करेगा, इनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो 28 नंबर वाले जो लोग हैं, 2 और 8 के संयोग से बना है। एक्चुअल में भले ही इनका 1 नंबर है, लेकिन इनका स्वभाव इमोशनल होता है कभी कभी। ये बहुत बार ओपनली मीन्स फ्री माइंडेड नहीं होते हैं पब्लिक में या फ्रेंड्स में, बोलते 1 नंबर वाले जो नॉर्मल होते हैं वैसे इनका स्वभाव कम होता है। जनरली यह विश्वास जल्दी से नहीं करते किसी पे भी, बोलते इनको करना अच्छा नहीं लगता है। बहुत बार हेजिटेट करते हैं, इनके प्लान जो होते हैं ना काफी कॉन्फिडेंट नहीं होते, प्लानिंग में हेजिटेशन होता है इनके। उसके बाद इन्होंने हमेशा क्या करना चाहिए कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि इनको कोई तो रन करने वाला लगेगा, खुद का खुद कभी रन नहीं कर पाएंगे। इंडिपेंडेंट, क्योंकि 2 नंबर बीच-बीच में आने के खातिर इंडिपेंडेंट ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इनको अच्छा सपोर्ट मिला तो जनरली ये बहुत आगे जा सकते हैं। तो इस प्रकार है 28। एक चीज सारे 1 नंबर वालों ने याद रखना है हमेशा, फाइनेंस से रिलेटेड, यानी 1, 10, 19 और 28, वो क्या है? आपने जिंदगी में कभी गैम्बलिंग नहीं करनी है। आप गैम्बलिंग में बहुत ज्यादा वीक हो, आप कभी भी नहीं करोगे गैम्बलिंग। देन उसके बाद मैरिज के बारे में अगर बात करना चाहूँ तो एक ही बात करूंगा कि 8 नंबर 6 नंबर छोड़ दो तो आप किसी के भी साथ निभ जाएगी। 9 नंबर और मिल जाए या सेम नंबर तो अच्छा है, बाकी बहुत सी चीजें देखी जाती है। तो बस आप सूर्य की आराधना करें, सूर्य आपके इष्ट देव है, हर रविवार को पानी जल चढ़ाए, रोज सूर्य को जल दे तो बहुत अच्छी बात है, आपका जीवन जरूर सुखमय मंगलमय होगा। तो ये वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताइए। मैंने कोशिश की है कि जो आपको